और ऐसी है, एक फोन है मेरे पास, जैसे मान लो ये मेरे पास एक फोन है, अब इसकी पावर ऐसी के पास में कुछ बूस्ट कॉइल होंगे, अब मैंने मान लो एक बूस्ट कॉइल निकाल दिया और कोई भी लाइट सेक्शन का फलाना से दिखाना सेक्शन का मैंने बूस्ट कॉइल यहाँ लगा दिया तो फोन ऑन नहीं होगा, वो जनरली उसको उतने ही एम्पियर का बूस्ट कॉइल चाहिए, मतलब पावर ऐसी से पावर ऐसी का बूस्ट कॉइल चाहिए क्योंकि उसका एम्पियर जनरली एक एम्पियर के ऊपर होता है, लाइट ऐसी का जो एम्पियर होता है वो बहुत कम होता है, वो 0.6-0.7 एम्पियर का कुछ बूस्ट कॉइल होता है। तो बेसिकली पहले बक लाइन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बक लाइन पे जितना भी जो वोल्टेज आता है वो पावर आईसी जनरेट करता है, और एलडीओ सेक्शन फिर क्या होता है, जब सीपीयू को पावर मिल जाती है तो सीपीयू फिर उसको एक्टिव करने के लिए बोलता है कि भाई हाँ ये सेक्शन एक्टिव कर दे आई टू सी लाइन से। अब जैसे सपोज अगर ये आई टू सी लाइन डिस्प्ले से कनेक्ट एलडीओ और एचसीएल बी फोर और सी फोर पे जो लाइन आ रही है बी टू और सी टू पर जो आपको एलडीओ और एचसीएल लाइन बताई गई है, अगर मान लो ये लाइन डिस्कनेक्ट हो गई तो क्या होगा, तो ये होगा कि सीपीयू कभी नहीं बोले पाएगा पावर आईसी को कि इसको सिग्नल भेजो, इसको बीएम सिग्नल भेजो, इसको ये भेजो, उसको वो भेजो। तो वैसे ही आई टू सी लाइन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब अगर मैं एक बात पूछूं, अगर मेरे से एक बात बोली जाए कि सर मेरे पास एक सेट है और मोटरों का फलाना सेट है, उसकी पावर के मुझे इनपुट वोल्टेज चेक करना है या किसी भी पावर के इनपुट आउटपुट वोल्टेज चेक करना है, तो मैं कैसे चेक करूं? देखो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, क्योंकि अगर एक पावर ऐसी एक नंबर की 10 सेटों में भी लगी हुई है तो भी नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है उसका, क्योंकि उसका जो लगने का स्ट्रक्चर और डिजाइन होता है वो हमेशा अलग होता है, किसी का जो नोड कट पॉइंट होता है वो नीचे होता है, किसी का नोड कट पॉइंट नीचे ऊपर होता है, क्योंकि हम इसको अगर उसका नंबर भी चेंज होते हैं, जैसे 6323 अगर उसमें B2 में आपको रेफरेंस कैपेसिटर दिया हुआ है तो 6325 में B2 में ना देके C2 में दे दिया है, तो इससे इसके हम नहीं पता कर पाते, हमें ना स्कीमेटिक डायग्राम के बिना हम नहीं बता पाएंगे कि पावर का एग्जैक्टली आउटपुट कहाँ है। पर मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ, आप पावर के एग्जैक्टली आउटपुट पता कर सकते हैं, मेरी बात समझना। इसको बहुत तेज से R&D दिया हुआ है हमने, आप एक सेट लेना, उस सेट में आप चार्जर लगाना, मेरी बात समझना, आप एक सेट लेना, उस सेट में आप चार्जर लगाना, जिस जिसने EMMC किया हुआ है वो जानते हैं कि जब भी हमको ISP पिन आउट करना होता है उसके लिए हमको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, खाली हम क्या लगाते हैं, चार्जर। तो आपको लगा देना चार्जर, तो आपको पता है कि EMMC के पास आपको दो वोल्टेज मिलते हैं, VCC और VCC2, VCC और VCC2, ये जो वोल्टेज आपको मिलता है ये पावर से मिलता है। तो देखो हमने क्या किया, हमने एक चार्जर लगाया और सब जगह वोल्टेज चेक किया, एक एक सेक्शन पे वोल्टेज चेक किया कि कितना, एक वोल्टेज 1.8 आता है, एक 2.8 आता है और एक 5 वोल्टेज आता है, तीन वोल्टेज आते हैं 1.8, 2.8 और एक 5 वोल्टेज आता है। तो ये हमने सब जगह चेक किया और अराउंड फिर हमने क्या किया, हमने वो जो मेन पावर आईसी है वो निकाल दी, मेन पावर आईसी को निकाल दिया और फिर चार्जर लगाया और फिर हमने चेक किया कि वो वोल्टेज वहां पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो वो वोल्टेज वहां नहीं मिल रहे थे। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे पावर आईसी चेक करनी है तो मुझे उन सप्लाइयों पर वोल्टेज भी चेक करना पता होना चाहिए कि चार्जर लगाने पर भी मुझे कहाँ कहाँ सप्लाई में या किस किस सेक्टर में वोल्टेज मिल सकते हैं, ताकि आप वहां पे डायरेक्ट वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल करना अपने चालू सेट में। और हमेशा ध्यान रखना, तीन लाइनें होती हैं, पहली होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी में आता है 4 वोल्टेज, सेकेंडरी में आता है 1.8 और 2.8 वोल्टेज, और तीसरी होती है प्राइमरी। प्राइमरी लाइन पर जो वोल्टेज होता है वो होता है 0.4 से 0.9 वोल्टेज, जो कि बक लाइन की लाइन होती है, बक लाइन। वहां पर अगर कभी भी आपको रीडिंग अगर जरूरत से ज्यादा मिलती है, जैसे मान लो एक पावर आईसी के बगल में बूस्ट कॉइल है, वहां पर रीडिंग 150 या वहां पर रीडिंग 1500 मिल रही है, तो आपको वहां पर सिर्फ एक वोल्टेज देना है, डीसी का सिर्फ एक वोल्टेज, पर एम्पियर हाई करना है, सिर्फ एक वोल्टेज दोगे आप। अगर वहां पे आपने गलती से भी 4 वोल्टेज डाल दिए तो आपका सीपीयू शॉर्ट हो जाएगा, अगर आपने गलती से वहां पर 3 वोल्टेज डाल दिए तो सीपीयू शॉर्ट हो जाएगा, आपको सिर्फ एक वोल्टेज देना है। अगर उस लाइन में कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर वो लीकेज है तो वो पॉपअप हो जाएगा, उसके लिए आपको पूरे मदरबोर्ड में आपको बबूजिंग का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ध्यान रखिएगा। जनरली ये देखा गया है कि अगर आप आईसीओ का निकाल के उसके अंदर का GR चेक करना चालू करें और उसका एक पूरा एक कॉपी में बनाए कि किस पिन पर कितना GR आता है एक एक PM का, तो मुझे लगता है कि आपके पास में रेगुलर जो सेट आते हैं वो बनाने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आपको लगेगा कि भाई मेरा PM खराब है तो आप PM निकाल के उसका GR चेक कर सकते हैं, अगर सारे GR सही है तो PM चेंज कर सकते हैं,
सिर्फ रिवॉल्व करने से आपका सेट चालू होने का कंडीशन नहीं बनता है, आपको उसको चेंज करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका सेट पटका हुआ है, गिरा हुआ है आपके सेट में, जिसमें सबसे ज्यादा आईसीओ बहुत ज्यादा डीपली में क्रैक होती है या हिल जाती है, ज्यादातर गिरे हुए सेट में ईएमएमसी का फॉल्ट जाता है, ईएमएमसी को रिवॉल्व करना पड़ता है, सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ता है और पावर आईसी को चेक करना पड़ता है कि पावर आईसी कहीं फ्रैक्चर नहीं है। तो ये चीज थोड़ा नोट करें आप। और अगर आपके मन में रेड लाइट ब्लिंकिंग या व्हाइट लाइट ब्लिंकिंग एमआई में आ रही है तो ये ज्यादातर फॉल्ट ईएमएमसी से आ रहा है। ध्यान रखिएगा, ये ज्यादातर फॉल्ट ईएमसी से आ रहा है, इसमें ईएमसी का चेक कीजिएगा, क्योंकि रेड लाइन और जो व्हाइट लाइन है वो चार्जिंग आईसी का होता है और चार्जिंग जनरली ऐसे फोनों में पावर आईसी के अंदर ही लगी होती है, जबकि ये फॉल्ट आपका इसीलिए ईएमसी से बनता है। तो बेसिकली फंडा ये है कि बक लाइन होती है आपके सीपीयू को वोल्टेज, बक लाइन पे जो वोल्टेज होते हैं वो 0.6 से 0.4 से 0.9 वोल्टेज होते हैं। अब अगर आप मान लो पावर की दबाया और आपने बूस्ट कॉइल पे वोल्टेज चेक किया और वहां पे वोल्टेज आ रहा है 0.04, समझ रहा 0.04, मैंने कितना वोल्टेज बोला 0.4, मैंने आपको बोला 0.4 से 0.9, पर आपको आ रहा है 0.04, कितना आ रहा है 0.04। इसका मतलब कोई भी वोल्टेज नहीं है वो, समझना जी सर। हाँ, मतलब आपको 0.40 पैसा चाहिए, 0.04 आना नहीं चाहिए आपको। तो बेसिकली जब बकलाइन के जो वोल्टेज होते हैं वो इसी तरीके से वोल्टेज आते हैं, वो 0.0 में बदल जाते हैं सर। वो एलडीओ सेक्शन होता है, वो सेकेंडरी लाइन होता है, वो सेकेंडरी लाइन होती है। जैसे अभी आपके रिंगर में 1.8 वोल्टेज जा रहा है, आपकी लाइट में 1.8 वोल्टेज जा रहा है, वो एलडीओ सेक्शन करता है, जो वो आईसी के अंदर ही रहते हैं सर। वो एलडीओ वो मॉस्फेट बने होते हैं, आईसीओ के अंदर अलग अलग मॉस्फेट होते हैं, तो वो पूरा एक एलडीओ सेक्शन बना रहता है इस तरह से। सर मॉस्फेट काली स्विचिंग रेगुलेटर क्या क्या करेगी सर? देखो, एक मॉस्फेट ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है, ये दो काम बड़े करता है, ये रेगुलेट और स्विचिंग करता है। स्विचिंग का मतलब ये होता है एक वोल्टेज को उठाकर दूसरी ओर रख देना, इसको उठाकर दूसरी ओर रख देना, यहाँ से उठाकर यहाँ रख देना, और रेगुलेट का मतलब ये होता है कि इस वोल्टेज को कम करके भेज देना, कम करके। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 वोल्टेज है, तो मैं इसको यहाँ उठा के यहाँ रख दूं और दूसरी बार इसको 4 से 2.8 वोल्टेज कर दूं, तो इसको इसी सेक्शन को, इसलिए इसमें जितने भी एलडीओ होते हैं वो ट्रांजिस्टर से मिलकर बनते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर आपको रेगुलेट और स्विचिंग करता है, और इसमें कंटिन्यूटी कभी नहीं होती क्योंकि इसके अंदर डायोड यूज किया जाता है। सर जो भी बूस्ट कॉइल होता है वो एम्प्लीफाई करने के लिए ना सर? नहीं, बक बूस्ट कॉइल होता है उसको बक लाइन बोलते हैं, वो एम्पलीफायर नहीं करता कभी भी, ध्यान रखना। सारे बूस्ट कॉइल कभी भी ध्यान रखना, ऑल बूस्ट कॉइल एम्पलीफायर नहीं करता है। ये जो बूस्ट कॉइल है उसका जो एम्पियर होता है बहुत हाई होता है, वो वोल्टेज को लो करता है। देखो नाम ही बोल रहे हो आप, बूस्ट कॉइल है तो इसका मतलब है कि वो वोल्टेज को बूस्ट कर रहा है, और पावर एसी के आसपास जो है वो बक कॉइल है, जो कि वहां पे आपको लो वोल्टेज और हाई एम्पियर मिलेगा, ये चीज को जहन में रखिए। और जो नॉर्मल कॉइल होता है वो नॉर्मल कॉइल है, और आपने जो बूस्ट कॉइल बोला है वो बूस्ट करने के लिए है। और यही चीज ट्रांजिस्टर में और भी काम होते हैं, जैसा कि आपने बोला इसको एम्पलीफायर बूस्ट करने के लिए एम्पलीफायर ऑडियो सेक्शन में भी लगाए जाते हैं, और यही चीज है। कुछ ऐसे ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि वोल्टेज को कम करते हैं, और कुछ ट्रांजिस्टर ऐसे होते हैं जो कि करंट को कम करते हैं। बाकी रही बात, यही इसके मेन काम जैसा सर ने बताया आपको, रेगुलेट करने के लिए और स्विचिंग करने के लिए और एम्पलीफायर करने के लिए, यही चीज है। और आप जैसा कि एक आईसी के अंदर का ट्रांजिस्टर खराब हो जाए तो हम उसको बना नहीं सकते हैं, हमको पूरी की पूरी आईसी ही चेंज करनी पड़ती है, ये चीज को ध्यान में रखिए। A3S में भी देखने को मिल जाएगी आपको, A1, B1, C1 और A1 से A4, ये आईसी डिजाइन करे 12 वोल्ट की आईसी डिजाइन करे। जल्दी से मैं आपको इसको इनपुट आउटपुट बता रहा हूँ, और ये आईसी कैसी दिखती है इसके फोटो भी दिखा रहा हूँ, मैं इसका बाईपास बताऊंगा आपको, ये आईसी को आपको वापस लगाने की जरूरत नहीं है, इसका बाईपास बताऊंगा कहाँ इस आईसी के अंदर जम्पर मारने हैं आपको। तो देखिए ये मेरा नोज कट पॉइंट है,
ये मेरा नोज कट पॉइंट है, ये हो गया। अच्छा दिख रहा है सर, पूरा दिख रहा है क्लियरली। एक बगल में चार्जिंग कनेक्टर बनाइए, एक बगल में चार्जिंग कनेक्टर बनाइए, चार्जिंग कनेक्टर बनाइए, और उधर एक 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 पिंडली बी बस, बी बस जो भी आपकी चार्जिंग आईसी है, अब वो बीक्यू हो या पीएमआई हो या एसएमबी हो, वो इस आईसी से होते हुए जाएगी, इस आईसी से होते हुए जाएगी। चार्जिंग पहले इधर जाएगी और इसके बाद में फिर वो अपनी मेन चार्जिंग आईसी में आएगी। ये सिर्फ प्रोटेक्शन आईसी, तो इसमें वो लाइन कहाँ जा रही है, तो सबसे पहले मैं वो लाइन आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो वो लाइन सबसे पहले जो जा रही है, वो जा रही है आपके C2 C3 और डालिए B3 में, डालिए की लाइन C2 C3 और B3 आपस में मिले होते हैं, ज्वाइंट कीजिए, C2 C3 और B3 आपस में ज्वाइंट होते हैं अंदर से कंटिन्यूटी। C3 A2 आउटपुट डालिए, A3 A2 और B2 इसको जोड़िए आपस में, A3 A2 और B2, B2 को A2 के साथ जोड़िए और A2 को A3 के साथ जोड़िए, ये आउटपुट है। मतलब 5 वोल्ट पहले आपके इधर आकर फिर इधर आता है, फिर 5 वोल्ट आगे जाता है। इसके अंदर डायोड लगा होता है, डायोड, ये डायोड है लगा बेसिकली, आईसी के अंदर सीरीज में डायोड लगा है इसके अंदर, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं आती है आईसी निकलने पर, इन दोनों पर कंटिन्यूटी नहीं आती है। आपको क्या करना है, इसका बाईपास बता रहा हूं आपको, B2 से C2 को जंपर मार देना है, B2 से C2 को जंपर मार देना है, तो आपको ये आईसी बाईपास हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, B2 से C2 को जंपर मारना है आपको, मतलब इनपुट और आउटपुट को जोड़ना है आपको। बनाइए, इनपुट बना लिए, आउटपुट बनाइए, अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर अगर मान लो आपने आईसी निकाल दी या ये निकली आई, तो आप इसका नोज कट पॉइंट कैसे पहचानेंगे, तो मेरी बात समझो, किसी भी आईसी का नोज कट पॉइंट पहचानने के लिए उसके ग्राउंड पता होना जरूरी है, क्योंकि हम पहले उसका ग्राउंड चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें आईसीओ को डिजाइन करना तो आता है एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज, ये तो सबको पता होगा ना। तो इसका ग्राउंड बनाइए, इसका ग्राउंड है A4 B4 C4 ग्राउंड होते हैं इसके, बनाइए A4 B4 और C4 को ग्राउंड कीजिए। आप चारों पिन में, चारों में जो आपको एक सिर्फ अकेला ग्राउंड मिले, तो वो आपका A1 है, मतलब नोज कट पॉइंट यहाँ है आपका, और यहाँ से आपको फिर B2 और फिर आपको B2 और C2 के हमें जंपर मारना है। ये OBP आईसी है, इसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। देखो ये ऐसी दिखाई देती है सेट में, आपको फोटो दिखा रहा हूं, ये देखिए ये सेट में ऐसी दिखाई देती है थोड़ा सा। देखो ओबीपी, जिसपे ओबीपी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, ये ऐसी लगी हुई है जिसके बगल में कैपेसिटर लगा हुआ है, और उसके बाद में ये देखिए ये ओबीपी आईसी है यहाँ पर, और जो इसका आईसी है वो यहाँ पर लगा हुआ है, ये बीक्यू आईसी है इसका, यहाँ पर बीक्यू आईसी यहाँ बना हुआ है, और यहाँ पर इसका ओबीपी आईसी लगा हुआ है। ओबीपी बेसिकली इसके एक ये छोटे वाले कैपेसिटर में 5 वोल्ट आ रहे हैं और ये बड़े वाले कैपेसिटर में आउटपुट हो रहे हैं, तो अगर ये आईसी खराब हो जाएगी तो आपका नो चार्जिंग आ जाएगा सेट, ये आईसी, और ये आपका आईसी 12 वोल्ट का आईसी है, आपको इसके अंदर के कहाँ कहाँ जंपर मारने ये बता दी है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको, हो गया। तो आपको फिर से बता रहा हूँ, इनपुट जो लाइन है वो है C2 C3 और B3, और आउटपुट जो लाइन है वो है B2 A2 और A3। आपको सिर्फ खाली B2 C2 को या फिर इनपुट आउटपुट को आपको कनेक्ट करना है, बाकी के कोई भी सप्लाई का कोई मतलब नहीं बनता है, सारा आपका रेफरेंस कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है और बाकी आपके ग्राउंडेड किए हुए हैं, बाकी ग्राउंडेड किए हुए हैं। अच्छा, पहले एक आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये आईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो इधर ये आईसी, देखो ये आईसी आपको ऐसी दिखाई देगी, देखो पहले यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है चार्जिंग मॉसफेट, लिखा हुआ है, देख रहे हैं सब लोग आप, यस सर, चार्जिंग मॉसफेट दिख रहा है यहाँ पर,
ये देखो ये ऐसा दिखाई देगा, ये नए सेटों में आ रहा है, 3 लाख 6 लाख का आईसी है ये देखो ऐसा दिखाई देगा ये आईसी, और ये आईसी ओबीपी के बगल में लगी मिलेगी आपको हमेशा, ओबीपी के बगल में, ये 6 लाख का मॉसफेट आईसी है। मॉसफेट मतलब इन्होंने क्या किया हुआ है, चार्जिंग के में भी पहले मॉसफेट रेगुलेटर मॉसफेट दे दिया है तो ताकि हाई वोल्टेज हाई एम्पियर ना आए आपके। आप लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने सेट को कैसे डेड कर रहे हैं, आपके कस्टमर आपके कंपनी ने बोला कि भैया इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है, फिर भी हम 4 एम्पियर 5 एम्पियर का घुमा रहे हैं जिसके वजह से हमारा फोन डेड हो रहा है, पीएमआई हीट हो रही है, चार्जिंग आईसी हीट हो रही है और फोन हमारा लूप में चला जाता है। तो बेसिकली इसीलिए उन्होंने एक मॉसफेट आईसी दी हुई है, इसको बोलते हैं चार्जिंग आईसी बनाइए, चार्जिंग इनपुट पे जो ओवीपी आईसी है उसके बाजू में रहेगा, इसको याद रखो, बनाओ 6 लाख का आईसी बनाओ, अलग का आईसी बनाइए, ऐसा 6 लाख का आईसी बनाइए, ये आईसी अंदर से ऐसे 6 लाख की होती है, इसका डिजाइन कैसा होता है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, इसका डिजाइन दिखाऊंगा मैं आपको, देखो ये आईसी मैंने कैसे बनाई है एक बार देख लीजिए सब लोग, ये 6 लाख का आईसी आपको इस तरह से बनाइए, ध्यान रखना आपको अगर ओबीपी आईसी में आपको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये मॉसफेट लगा हुआ है 6 लाख का, अलग से दिख जाएगा आपको 6 लाख का मॉसफेट, बना लिया आपने, बताऊंगे अब इसमें 1 2 को और 6 और 5 को आपस में जोड़ दीजिए और 3 को ग्राउंड कीजिए, पीछे वाली पिन को ग्राउंड कीजिए, ओके तो बची कौन सी पिन, 4 एक और 4 पिन, 4 पिन का आउटपुट बनाइए, 5 वोल्टेज आउटपुट बनाइए, 4 पिन का आउटपुट बनाइए, ये इनपुट हो रहा है ये आउटपुट हो रहा है, ये इनपुट ये आउटपुट, 4 पिन का आउटपुट बनाइए, 4 पिन का आउटपुट में बनाइए। तो अब मेरे भाई मेरे को बताओ अगर ये आईसी का बाईपास करना है तो कैसे करोगे, जल्दी बताओ, 5 और 4 को ज्वाइन कर देते हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 5 और 4 को आपस में क्या कर दीजिएगा, ज्वाइन ज्वाइन कर, बिल्कुल। यह आईसी कैसी दिखती है बता दिया है, एक आपको इसके पहले एक स्विचिंग मॉसफेट भी बता रहा हूँ, ये देखो यह आईसी बेसिकली ऐसी दिखाई देती है, जब आप इसको खोलोगे ना तो आईसी ऐसी दिखाई देगी, जो 1 और 2 और 5 और 6 है वो आपको इस तरह से ज्वाइंट दिखाई देंगे, ऐसे ज्वाइंट दिखाई देंगे और ऐसे 3 मिलेंगे, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये बीच का ग्राउंड होता है आईसी का ग्राउंड होता है, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 और 1 ये आपका ज्वाइंट होंगे और ये आपका आउटपुट होगा, तो आपको क्या करना होगा, इससे उठाकर इससे जम्पर मारना होगा, इन दोनों को उठाकर आपस में जम्पर मारना होगा, ठीक है। तो ये फूट लीजिए, ये आपको आईसी ऐसे मिलेगी, ध्यान रखना जब आप इस मॉसफेट को निकालेंगे तो ये डिजाइन इस तरह से बोलेगा, डिजाइन इस तरह से मिलेगा, एक आपको मैं स्विचिंग मॉसफेट बता रहा हूँ, देखो स्विचिंग मॉसफेट बता रहा हूँ, फोटो बता रहा हूँ, ये वाला मॉसफेट अभी बहुत सारे सेक्टर में आ रहा है, ये वाला मॉसफेट भी देख लीजिए, चार्जिंग में लगा आता है, वो आपकी चार्जिंग आईसी के इनपुट में आ रहा है, इसको कैसे बाईपास करना है ये बता रहा हूँ मैं, फोन बंद हो गया मेरा, ये फोन से नेट लगाया, बहुत लंबा खींच दिया, 11 12 1 2 घंटे 2 घंटे 20 मिनट हो गया, 3 बैचों को ले लिए, 3 3 महीने वाले अलग अलग, ये देखिए ये ऐसा मॉसफेट होता है, जब ध्यान दीजिए ट्रांजिस्टर टाइप का, ये दिख रहा है आपको, ऐसे ट्रांजिस्टर टाइप का दिख रहा नहीं आपको, आईसी है, ध्यान रखिएगा ओप्पो में ये आईसी हर एक सेक्शन के में लगी हुई है, छोटी छोटी आईसिया, ये आईसिया पूरी की पूरी बाईपास हो जाती है, ये मॉसफेट आईफोन में भी लगे हुए हैं, आईफोन की चार्जिंग में यूज हुआ है, आईफोन के बगल में भी आया है मॉसफेट लगा हुआ है, ये सारे के सारे मॉसफेट बाईपास हो जाते हैं, इस मॉसफेट में मैं आपको बता रहा हूँ किस पिन पे क्या आता है, ये आप बना लीजिए, ऐसा बनाइए डिजाइन कीजिए, एक बड़ा गोला और 2 गोले बनाइए, बना लीजिए फिर बाद में फिर ये रिपीट नहीं होगा, ये मॉसफेट डिजाइन कीजिए, ये देखो ऐसा ट्रांजिस्टर जैसा मॉसफेट है, ये ऐसा बनाइए 1 2 ये हो गया, अब इस मॉसफेट को ये डिजाइन दीजिए, ये देखो देखो यहाँ पर
एक सिरा, ये जो बड़ा वाला सिरा है ना, बड़ा वाला, ये बी बैट होता है ऑलवेज, बीपीएच, यहाँ पे 4 वोल्टेज आते हैं हमेशा, बड़ा वाला। इसका एक सिरा जो होता है वो ग्राउंड होता है, एक सिरा ग्राउंड होता है ऊपर का, और एक सिरा आउटपुट होता है। तो आपको ग्राउंड को छोड़ के आपको जम्पर मारना है, उसका बात आ रही है समझ में? आपको ग्राउंड को छोड़ के आपको जम्पर मारना है। एक वी बैट से और वी बस से ही कहते हैं सर, इसको बी बैट नहीं बोलते, ये बी बैट को आगे बढ़ाने का काम करता है, बस स्विचिंग काम का, स्विचिंग करता है। मतलब किसी एसी को बी बैट चाहिए तो वो इस मॉस्फेट के थ्रू लेगी, ताकि डायरेक्ट वो हार्म ना हो। तो हमको सिर्फ ये मॉस्फेट लगा के यहाँ से, अब आपको कैसे पता चलेगा, एक सिरा बीप मारेगा गोल्ड टेस्टिंग में और दोनों पर रीडिंग आएगी, तो आपको इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना खाली। सर ये जो स्विचिंग करता है ना सर, डायरेक्ट ज्वाइंट करे तो हमारे को स्विचिंग बंद हो जाता, डायरेक्ट हो जाता है वोल्टेज? बिल्कुल, अगर आपके पास ये मॉस्फेट नहीं है तो आप इसको बदल सकते हैं और इसको जम्पर मार सकते हैं। ये आईफोन में भी होता है, आईफोन में भी जम्पर मार सकते हैं। चलिए ठीक है, फिरोज खत्म करें। 120 हो गया सर, 2.5 घंटा हो गया है। ठीक है, पूछ लीजिए कैसा रहा सेक्शन एक बार, सभी लोग अपना अपना बताइए, एक 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 के बारे एक बताइए कैसा रहा आज का सेशन, कैसा लगा आप लोगों को, थोड़ा सा बता दीजिए एक्सपीरियंस, और कैमरे ऑन करिए। कैमरे ऑन नहीं हो रहा तो वैसे ही दे दीजिए, पर सबकी राय बताइए कैसा रहा। अच्छा रहा, आज की क्लास काफी अच्छी रही सर जी, काफी नॉलेज मिला। कौन बात कर रहा है अभी? अनिल कुमार बाद में ज्वाइन हुए शायद। रवि आप बताइए जी। रवि कुमार आप बताइए। रवि कुमार बहुत अच्छा रहा जी सर। आवाज कट रही है पूरी। कैसा रहा सेक्शन बताइए सर? आवाज कट रही है। आज का सेशन कैसा रहा अशफाक, इस बारे में बताइए कैसा लगा आज का ये क्लास जो लिए लाए सर। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था सर, वापस से बहुत सारी चीजें रिवाइज हो गई, लाइनें जो भूल गई थी थोड़ी थोड़ी, क्यू की लाइन वगैरह वो सब रिवाइज हो गई सर। आनंद साहा चित्रंजा बताइए, चित्रंजन जी। जी सर बहुत अच्छा रहा सर, काफी सारे ऐसे बारे में पता चला, बहुत सर अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। और जैसा पुराना डेली रिवाइज करने जैसा सार जैसा वहाँ पे पढ़ाए थे ना, वैसा लग रहा है आज मेरे को फीला। आपके पास बैठ के पढ़ने जैसा लग रहा है। विक्रम बताओ, विक्रम क्लास किया था कि सर? दीपक दीपक बताओ, दीपक दीपक बताइए कैसा रहा सेक्शन, क्यों डाटा अपना दीपक कैसा रहा आज का सेशन बताइए। माइक ऑन करिए दीपक, माइक ऑन करिए, आपका माइक बंद है, म्यूट पे है, म्यूट है। हाँ सर कैसा रहा सेशन बताइए। बढ़िया रहा सर, हर बार की तरह इस बार भी। और अवेश थोड़ा लेट ज्वाइन हुए, आप माइक म्यूट पे हटाइए और बताइए आपका भी कैसा रहा। देखो हम लोग आपसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि क्या आप लोग को चाहिए आप बताइए, हम उस हिसाब से आपको अपडेट करेंगे। आपको चाहिए कि आपको बेसिक सीखना है या और कुछ नॉलेज चाहिए या कोई डायग्राम आप बताइए, हम उसको अपडेट करेंगे। तो हम जितना हो सकता है पर्सनली आपको अपडेट करेंगे, हर वीकली में एक बार आएंगे। और ये नहीं है कि कोरोना में आ रहे हैं, कोरोना के बाद भी आएंगे, और ये रात में हम लोग कोशिश करेंगे। देखो हमारे पास में 35 के ऊपर ग्रुप है, इसलिए हमने 3 ग्रुप को एक साथ लिया। आज पूरे दिन भर से आपको पता नहीं है, हम फिरोज मिलन और ये दुर्गे सब मिलकर पूरे दिन भर, आज हमारी आवाज बिल्कुल तुम देख ही रहोगे शायद उतनी अच्छी नहीं निकल रही है, लगातार हम लोग ने सेशन लिए आज। तो इसलिए हम आगे भी यही काम करेंगे, और जितना भी आप अपना जो भी क्वारीज है पहले से बनाकर रखो, आप ये मत सोचो जो मैं पूछूंगा मैं, आप पहले से बनाकर रखो। आप चाहो तो हमें ग्रुप में अपडेट भी कर सकते हो कि सर इस सेक्शन के बारे में थोड़ा सा अपडेट कीजिए, ये कैसे काम करता है सर। मैं आपको अगले बार में क्या क्या बताऊंगा ये बात आपको BQIC के बारे में बताएंगे, आपको लाइट आईसी जो LED आईसी है जो लाइट भी है और ग्राफिक्स भी है वो आईसी के बारे में अपडेट देंगे। मतलब जितने भी सेट जिसमें MOLED डिस्प्ले आ रहा है उस आईसी के बारे में आपको डिटेलिंग हम आपको देंगे।
ये दो चीजें आपको मिलेंगी। और एक आपको अगर आप में से किन किन लोगों ने ईवीएमसी किया, हाथ उठाइए जरा, ईवीएमसी किन किन लोगों ने किया है। Yes. आप लोगों के लिए मैं एक आईसी बताऊंगा जो फ्लो सर भी आपको अपडेट कर देंगे, वो होता है वीडी रैम, उसको वीडी रैम आईसी बोलते हैं। 12 बॉल की आईसी होती है जो पीएमआई के पास लगी होती है। ईवीएमसी में 254 में तीन वोल्टेज आते हैं, एक आता है बीसीसी, एक बीसीसी क्यू और एक वीडीडी क्यू। तो वीडीडी क्यू का 0.9 वोल्टेज आता है जो कि वीडी रैम आईसी से मिलकर बनता है। क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो आपको वैसे पता चल जाएगा, बट मैं फिर से वो आपको आईसी का पूरा डिटेलिंग दूंगा। ये आईसी का पूरा स्ट्रक्चर हमने बनाकर रखा हुआ है और ये हम अगली बार आपको बनाकर देंगे। इसको हमने बहुत अच्छे से आरएनडी किया हुआ है इस आईसी पर, और बहुत हमारी पहले से नजर थी इस आईसी पर, बहुत कम लोग जानते हैं, मेरे को नहीं लगता है कि इंडिया में। यहाँ पर देखिए, ये हमारा ईवीएमसी हो गया और ये हमारा ईवीएमसी हो गया, तो तीन वोल्टेज आते हैं, बीसीसी, बीसीसी क्यू और वीडीडी क्यू, जो एक जीरो ओम के रजिस्टर के साथ, एक बूस्ट कॉइल के साथ इस आईसी में आते हैं। इसको बोलते हैं आपको, ये आईसी का जो नाम है वीडी रैम आईसी है, ये 12 वोल्ट का आईसी है। तो अगर ये आईसी भी खराब होगा तो आपका रैम प्रोसेस नहीं करेगा, आपका फोन लोगो पर ही रहेगा और शायद लोगो पर भी नहीं आ। तो बेसिकली ये हम आपको अपडेट करेंगे, नेक्स्ट अपडेट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सभी ओप्पो में, रियलमी में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो लोगो पे ही रह रहा है और सॉफ्टवेयर करने में वो फोन एरर भी आता है। 254 में आपको बताएंगे और नेक्स्ट टाइम में इसमें मिलन सर को भी ऐड करेंगे आपके हमारे साथ। जी सर, जरूर, बिल्कुल। चलिए ठीक है, ऑल ऑफ यू गुड नाइट एंड हार्ड वर्क। ठीक है, चलिए, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।